तो दोस्तों आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं हैदराबादी स्टाइल पनीर की सब्जी बनाना, जो बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत अच्छे टेस्टी लगते हैं। इसे आप छोटी मोटी पार्टी में भी बना सकते हैं, तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। के लिए सबसे पहले हमने पनीर को बड़े बड़े टुकड़े में कट करके एक बर्तन में रख लिया। अब इसे साइड में रखते हैं। गैस जलाकर एक पैन चला दिए, दो बड़े चम्मच सरसों तेल डाल दिए। तेल गर्म हो जाए तो बारी बारी से पनीर के पीसेज को इसमें डाल दिए और डालकर जब कुछ देर हो जाए तो इसे करछी से उलट पलट कर लेते हैं। उलट पलट करके इसे हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। जब हल्का सा फ्राई हो जाए तब हम इसे छन्नी से छान कर इसे निकाल लेते हैं और निकाल कर इसे ठंडे ठंडे पानी में डाल देते हैं। ठंडा पानी में डालने से कि आपके पनीर एकदम सॉफ्ट से रहेंगे। इसे साइड में रखते हैं। अब मसाले की तैयारी करते हैं। तो एक बाउल में दो बड़े चम्मच ताजी दही लिए, उसी में एक चम्मच हल्दी पाउडर, दो बड़े चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च, जीरा पाउडर और गर्म मसाला डाल दिए दही में और डालकर इसे अच्छे से मिला लेते हैं। कोई भी सब्जी बनाए तो बाउल में मसाले डालेंगे तो आपके मसाले की क्वांटिटी सही रहेगी और आप कोई मसाले भूलेंगे नहीं। इसलिए जब भी कोई सब्जी बनाए तो बाउल में ही मसाले निकालें। दही में सारे मसाले को डालकर इसे अच्छे से मिला लेते हैं, कुछ इस तरीके से। देखिए जब मसाले मिल जाते हैं तो कुछ इस तरीके कैसे लगते हैं। तो ये मेरे मसाले मिल चुके हैं, तो इसे साइड में रखते हैं। अब गैस जलाकर वापस से कढ़ाई चढ़ा दें। आधी छोटी चम्मच तेल डाल दिए, सरसों तेल, 4 से 5 कली लहसुन, 2 मीडियम साइज के प्याज मोटा मोटा कट करके इसमें डाल दिए और डालकर गैस का आंच मीडियम करके इसे हल्का सा भूंज लेते हैं। यानी कि हमें कलर चेंज करना है, ज़्यादा नहीं भूंजना है। 2 मिनट ही हुए हैं कि देखिए कलर इसके हल्के से चेंज हो चुके हैं। तो चूल्हा बंद कर देते हैं और इसे निकालकर दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। जब ठंडा हो जाए तो एक मिक्सी जार दिए, मिक्सी जार में सारे प्याज लहसुन को डाल देते हैं और इसी के साथ डालते हैं 3 से 4 कली लहसुन, 1 इंच अदरक को छोटा छोटा कट करके डालें, थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती डंठल के साथ डाल दें। बिना पानी के ढक्कन बंद करके इसे बारीक सा पीस लेते हैं। तो ये देखिए सारे अदरक लहसुन पीस चुके हैं। तब हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं और वापस से इसी जार में 2 मीडियम साइज के पका हुआ लाल टमाटर मोटा मोटा कट करके इसमें डाल देते हैं और इसे भी बिना पानी के पीस लेते हैं। तो ये देखिए ये टमाटर भी अच्छे से पीस चुके हैं। इसे भी प्याज वाले मसाले में ही डाल देते हैं। अब इसे हम साइड में रखते हैं। अब वापस से गैस जलाते हैं और गैस जला के 2 बड़े चम्मच सरसों तेल डाल देते हैं। तेल गर्म हो जाए तो 1 छोटी चम्मच जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, थोड़े से खड़े गरम मसाले डाल दिए। डालकर इसे तरकने दिए। जब सारे मसाले तरक जाए तब इसमें अदरक लहसुन प्याज वाले मसाले को डाल देते हैं और डालकर थोड़ी सी जार को भी धोकर, यानी कि बर्तन को भी धोकर इसमें डाल दें। डालकर इसे भूंज लेते हैं। गैस का आँच मीडियम से थोड़ा सा कम रखेंगे। कम आँच पर मसाले को भूनेंगे तो हमारे प्याज अदरक लहसुन अच्छे से भून जाएंगे और वो टेस्टी लगेंगे। तो 2 से 3 मिनट हुए हैं कि अच्छे से प्याज भून चुके हैं, प्याज वाले मसाले। तब हम इसमें जो मसाले अभी अभी दही वाले मसाले मिलाकर रखे थे उस मसाले को डाल देते हैं। बाउल को भी धोकर इसमें डाल देते हैं और डालकर गैस का आंच कम करके इसे 2 मिनट तक अच्छे से भूंज लेते हैं, क्योंकि कम आँच पर मसाले भूंजेंगे तभी हमारे मसाले अच्छे से भुनेंगे और टेस्टी भी लगेंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं मसाले को भूनते हुए। अब हम इसे कवर करके 3 से 4 मिनट तक इसे पकने देते हैं। तो 3-4 मिनट हो चुके हैं तो ढक्कन हटाकर देखते हैं। तो ये देखिए ये मसाले की क्वांटिटी एकदम कम हो चुके हैं, तेल भी छूट चुके हैं। तो इसे कुछ देर और भूंज लेते हैं, या हम यूँ कहिए कि हमें तब तक भूनना है जब तक ये कढ़ाई न छोड़े या इसमें से अच्छी सी सौंधी सौंधी सी खुशबू ना आने लगे। तो ये देखिए खुशबू भी आने लगी और कढ़ाई भी छोड़ चुके हैं। देखिए हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं। तो ये मेरे मसाले अच्छे से भून चुके हैं। तब हम इसमें पानी डाल देते हैं। तो छोटी कटोरी से 1 कटोरी पानी डाल दें और डालकर इसे मिलाकर अच्छे से चला लेते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो ऊपर से और पानी डाल सकते हैं या आप अपने मसाले की क्वांटिटी के हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो पानी डालकर इसे अच्छे से मिलाकर चला लिए। उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। नमक डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद इसे कवर करके 1 उबाल आने तक इसे पकने देते हैं। तो 1 उबाल आ चुके हैं तो ढक्कन हटा कर देखते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं पनीर के पीसेज को और पीसेज को डालकर इसे अच्छे से मिलाकर चला लेते हैं ताकि ग्रेवी पनीर में अच्छे से आ जाए और इसकी खुशबू भी आ जाए। तो मिलाकर अच्छे से चला लिए। उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 1 चुटकी कस्तूरी मेथी और कस्तूरी मेथी डालकर इसे फिर से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए
अब इसे कवर करके 2 मिनट तक और पकने देते हैं। तो 2 मिनट हो चुके हैं, तो ये देखिए ये मेरे हैदराबादी स्टाइल पनीर की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चूल्हा बंद कर देते हैं और इसे उतारकर स्टैंड पर रख देते हैं। अब तड़का पैन ले देते हैं और चूल्हा पर चढ़ाकर 1 चम्मच सरसों तेल डाल दिए। तेल जब गर्म हो जाए तो 1 चम्मच तीखा लाल डालकर इसे अच्छे से मिला लेते हैं और मिलाकर इस तड़का को हम सब्जी में डाल देते हैं। इससे कि आपके हैदराबादी पनीर की सब्जी में कलर बहुत अच्छे आएंगे। तो ये देखिए तड़का डाल दें, ऊपर से थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देते हैं और धनिया पत्ती डालकर इसे अच्छे से मिलाकर चला लेते हैं। तो ये मेरे हैदराबादी स्टाइल पनीर की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे आप चाहें तो पूरी पराठे या रोटी के साथ खा सकते हैं या कोई भी छोटी मोटी पार्टी हो तो इसे आप बना सकते हैं। अब हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और ट्रांसफ़र करके दिखाते हैं। ये देखिए इसे आप रोटी पूरी पराठे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। तो आज की वीडियो ज़रा सा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।